सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर वीडियो तो बनाना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब वालों ने इस बार पेमेंट भी नहीं दिया मुझे यूट्यूब का। तो लाला आया हुआ था तो कह रहा वीडियो बना के डालो, सब लोग परेशान हो रहे कि क्या हो गया। मैं ठीक हूँ, तबीयत थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और कुछ टेंशन भी थी, मेरे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो मेरे साथ अभी चल रही हैं। मैं बताऊँगा इसके बारे में भी। मेरे यंग मामा गुजर गए, उनके लिए भी बहुत टेंशन है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुन के भी मुझे बहुत टेंशन हुई। पर लोगों ने अच्छा नहीं करा, लोगों ने बहुत उल्टे सीधे बोले, उन्हें मेरी वीडियो दिखा दिखा के उनको चिढ़ाया। सब ये सब देख के मेरा अंदर से मन बहुत दुखी हुआ और उसके से परेशान हो गया, फिर थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब हो गया। और मैं वीडियो बनाने की ज़्यादा कंडीशन में नहीं हूँ, बस यही कहूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, श्री जी से प्रार्थना करें। और कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे धमकियां दे रहे थे कि अगर तुम वृंदावन में गए तो तुम्हें मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ज़रूरत पड़ेगा तो लूँगा, क्योंकि मैं डरता मैं किसी से नहीं हूँ। जब मैं इस्लाम छोड़ के सनातन अपना सकता हूँ तो मैं किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं कभी भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, एक चीज़ हमेशा है कि हिंदुत्व के ऊपर हमेशा आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। और मेरी लाडली मेरी आवाज़ हमेशा सुनती है और मुझे अपनी लाडली पे पूरा भरोसा है कि मेरी लाडो जो करेगी वो अच्छा करेगी, दुनिया कुछ भी करे पर मेरी श्री राधा रानी कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगी। अभी इतना कुछ हुआ कि एक तो मैं वृंदावन भी नहीं जाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ। वैसे हमने सोचा था कि इतनी प्रॉब्लम होगी तो इस महीने चले जाएंगे तो यूट्यूब की पेमेंट नहीं है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डर के नहीं गया कि मैं वृंदावन नहीं गया, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग ये बात सोच रहे हैं। तो अब मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई थी इस महीने, तो इसलिए मुझे फाइनेंशियल दिक्कत थी है, इसलिए मैं नहीं गया, ठीक है। बाकी श्री राधा रानी है, सब कुछ कर रही है, उसमें स्वास्थ्य भी बिगड़ गया तो उसमें भी थोड़ा पैसा खर्चा होगा, इसलिए मैं अभी वृंदावन इस महीने नहीं गया। बट मैं अभी जाऊँगा, बहुत जल्दी जाऊँगा वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ बहुत। मैं कितना भी बीमार रहूँ पर श्री जी के चरणों में जाते के साथ मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अभी डॉक्टर ने मना भी करा कि ज़्यादा बोलना नहीं है आपको और रेस्ट करना है, पर फिर भी देखो घर तो चलाना है, बिल डालेंगे तभी चलेगा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का एक यही साधन है और कुछ भी है नहीं। तबीयत स्थिति ख़राब है तो प्रोग्राम वोग्राम भी नहीं कर सकते, और देश का माहौल आप लोग देख रहे हो कैसा हो, देख के देश के माहौल को तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप सब लोग, मैं ज़्यादा वीडियो अभी बना तो नहीं सकता, कंडीशन नहीं है, तो सभी लोगों से कहूँगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टेंशन ना लें आप लोग, सब मेरे लिए श्री जी से प्रार्थना करें, जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपने श्री जी का फिर से प्रचार प्रसार करूँ, अपनी लाडली का नाम यूँ ही जप करता रहूँ। मैं अंत समय तक भी यही करता रहूँगा, और चाहे कितने भी रोड़े पत्थर कितने भी कोई बिछाए, मैं कभी नहीं डरता था और ना मैं डरूँगा, क्योंकि मैं अगर डरता हूँ तो सिर्फ इसलिए डरता हूँ कि मेरे से श्री जी दूर ना हो, मेरे गोविंद दूर ना हो, मेरे गुरुदेव नाराज ना हो, बस। इसके अलावा मेरे मन में कोई भी डर, किसी के खिलाफ ना कोई भय है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।